Welcome to our channel Engineer Choice Tutor. Electronics Devices and Circuit की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. ओके, इसको हम और क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो देखिए ये क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ओके, ये क्या है, अपना बेस टर्मिनल है. ये क्या है, अपना कलेक्टर टर्मिनल है. और ये क्या है, अपना इमीटर टर्मिनल है. ओके, बेस टू इमीटर करंट फ्लो हो रही है, डायरेक्शन देख रहे हैं अंदर, इसीलिए ये क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर. ये लोड है आर, ठीक है, ये बैटरी है वी बी बी, ये क्या है वी ई. ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये कलेक्टर टर्मिनल या फिर इसका क्या नाम है, ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. तो ये कलेक्टर टर्मिनल को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है वो क्या है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो देखिए कॉमन क्यों बोल रहे हैं, नाम देखिए, कॉमन कलेक्टर. कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड विथ बेस ऑल्सो एंड इमीटर ऑल्सो. It means collector is common with base as well as emitter. That's why we are calling it common collector configuration. Okay? So, इस configuration में हम input signal base terminal पे लगाते हैं, ठीक है? और output हमें कहाँ मिलता है? Emitter terminal पे, okay? यहाँ पे हमें मिलता है output signal. ठीक है, करंट की डायरेक्शन इसमें देख ले हम, आईडी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, आईडी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी एंड आईसी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी. ठीक है, आईसी जो होगा अपना वो क्या होगा, ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट यहाँ पे फ्लो होगा. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जो अपना बेस टर्मिनल है वो कैसे काम कर रहा है, इनपुट टर्मिनल की तरह काम कर रहा है. ओके, जो अपना इमीटर टर्मिनल है वो कैसे काम कर रहा है, आउटपुट टर्मिनल की तरह काम कर रहा है. ओके, सो इस कॉन्फ़िगरेशन में, इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल. ओके, यहां पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बिटवीन बेस एंड कलेक्टर टर्मिनल एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं हम लोग कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल से. चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जो अपना बेस करंट है वो इनपुट करंट है और जो अपना इमीटर करंट है वो क्या है, आउटपुट करंट है. ओके, सो इसी रीजन के चलते हम इस कॉन्फ़िगरेशन को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते. क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि हम इनपुट करंट यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बेस करंट. हमें मालूम है बेस करंट बहुत ही छोटा होता है. बेस करंट किसकी रेंज में होता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है. ठीक है, इसीलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या यूज नहीं करते प्रैक्टिकली. ठीक है, सो इस कॉन्फ़िगरेशन का करंट इक्वेशन क्या होता है, आई ई इज इक्वल टू गामा आई बी प्लस आई सी ई ओ. ओके, या फिर बहुत जगह ऐसे लिखा रहता है ई सी ओ. ठीक है, दोनों एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं. तो देखिए यहाँ पे आई क्या होता है, आई अपना होता है इमीटर करंट. ओके, गामा क्या होता है, अपना करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर. ओके, आई बी क्या होता है, अपना बेस करंट जो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनपुट. ठीक है, अपना बेस करंट. ओके, और ये क्या है, आई ई सी ओ. ठीक है, आई ई सी ओ, ये क्या है, अपना इमीटर टू कलेक्टर करंट, इमीटर टू कलेक्टर करंट
when base is off, okay? When base is off. तो ये अपना क्या था, करंट इक्वेशन था इन द केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब हम रिलेशन निकालते हैं इस गामा का, ये जो गामा है उसका अल्फा के साथ क्या रिलेशन है और बीटा के साथ क्या रिलेशन है, अब हम ये देखेंगे, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकली ये जो ICEO है वो जीरो होता है, ठीक है, तो यहां से गामा इज इक्वल टू क्या होता है, IE अपॉन IB, ओके। मींस गामा इज द रेशियो ऑफ इमिटर करंट टू द बेस करंट, ओके। मींस जैसे जैसे बेस करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इमिटर करंट भी इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, हमें मालूम है कि IC इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा IE प्लस ICBO, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किसमें, तो हमें ये मालूम है ये होता है। तो यहां एक और बात ध्यान दीजिए, IE इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE माइनस IB, तो वही लिख लीजिए यहां पे, IE माइनस IB दैट इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO, ओके। सो IE के टर्म को एक साइड ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, IE माइनस अल्फा IE दैट इज इक्वल टू IB प्लस ICBO, ओके। अब देखिए IE वाला टर्म कॉमन ले लिए, और माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू IB प्लस ICBO, ओके। अब देखिए IB इज इक्वल टू क्या हो गया, IB डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ओके। सो ये क्या है, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या मालूम चला कि गामा इज इक्वल टू क्या आया, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और अपना ICBO क्या हो गया, ICBO अपना आया ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये एक रिलेशन बना, बीटा के टर्म में जब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और बीटा का रिलेशन क्या आएगा, 1 प्लस बीटा, ऐसा रिलेशन आएगा, ठीक है, गामा का बीटा के साथ रिलेशन। सो ये हमने क्या देखा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हम कभी भी कहां यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली कभी इसको यूज नहीं करते हम, ठीक है। तो ये अपना क्या था, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोस ऑफ EDC।